देखो गाइस, सचिन का नानी के घर लेके जा रहे हैं हम लोग एक दर्जन केला। ये गाइस देखो हम कहाँ आ चुके हैं, अपना छठ घाट। और यहाँ पे देखो सुमन अभी लगा है। हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सभी को एक ठीक होंगे। एंड गाइस, मेरा नाम है रुपेश चौधरी, मैं हूँ झारखंड के हजारीबाग जिले के एक छोटे से सिटी बरी से। ये गाइस देखो हम कहाँ आ चुके हैं, अपना छठ घाट। और यहाँ पे देखो सुमन अभी लगा है। ये हमारा जगह जो आज हम आधा बना के जाएंगे, और बाकी लास्ट का दिन जो बचेगा उस दिन यहाँ पे हम बालू डालने वाले हैं। तो हमारे साथ में है सचिन और सुमन, तो पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस, अभी देखो यहाँ पे आधा पूरा छिल दिया है, और इधर हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक ना पूरा पानी भर जाता है। और जितना भी हमने छिला ना, तो यहाँ पे साइड पे रख दिया है। और अभी सचिन कर रहा है, बाकी उसके बाद मैं करने वाला हूँ, तो आधा करने के बाद। और सुमन भाई खड़ा है यहाँ पे मस्त में, मज़ा ले रहा है धूप का पूरा। सचिन अकेले ही काम कर रहा है भाई। गाइस मुझे लग रही थी गर्मी, इसीलिए मैंने ऊपर का टी शर्ट उतार दिया है। और फाइनली हमारा जो जगह है ना, पूरा आधा बन के कम्प्लीट हो गया है। हमने वहाँ से वहाँ तक बॉर्डर दे दिया है, क्योंकि पानी वहाँ तक आ जाता है, भर जाता है, इसीलिए हमने जगह यहीं तक बनाया। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे हम भरने वाले हैं रेत, तो कल आएंगे उसके बाद भरेंगे। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें जाना है ना सचिन के नानी घर। वहाँ से इसको लाना था गेहूँ, तो मैं भी जा रहा हूँ साथ में, तो फिर वहाँ का कुछ ब्लॉग आप लोग को दिखाऊंगा। गाइस अभी हम आए थे मिल, हम लोग को ना सरसों पिसवाना था, तो अभी रख दिए, मम्मी वहीं पे थी। तो अब हम जाने वाले हैं सचिन के नानी घर, तो अभी वेट कर रहे हैं हम, सचिन का एक मौसी का बेटा आएगा उसके लिए, तो आने के बाद फिर निकलते हैं सचिन का नानी घर। यहाँ पे ना हम थोड़ा सा रुक गए हैं, अब भूख भी लगा था बहुत कस के, तो सामने में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम सोचे चलो कुछ खा लेते हैं पहले। मुझे एक बर्फ का गुला खिलाओ ना। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। यहाँ पे आया हुआ है मनीष, और ये है सचिन। तो ये ना मनीष, इनका जो मौसी का बेटा है, वो है हजारीबाग से है, तो आया था हम लोग के साथ में। लेकिन एक सेकंड। तो गाइस फाइनली हमारा चौमिन आ चुका है, इसके ऊपर हमने ऑनियन रखा डाल दिया है। ये देखो सबका आ चुका है, सबका आ चुका है, सचिन का भी आ चुका है। तो कैसे हो आप लोग भाई लोग? देखो गाइस, सचिन का नानी के घर लेके जा रहे हैं हम लोग एक दर्जन केला। हमने सब चीज ले लिया, तो अब चलते हैं हम सीधा सचिन के नानी घर। सो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं सचिन का नानी घर, और सचिन और उसका जो भाई है वो गया अपने नानी से मिलने के लिए, तो मैं अभी यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ बैठ के उसके नानी घर के अंदर में। देखो गाइस, हमारा पुराने जमाने वाला प्यारा किचन घर सामने वहाँ पे, मतलब मिट्टी का बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा घर है ये। देखो गाइस, ये है मक्के का हड्डी, इतना सारा मक्के है ना यहाँ पे। तो अभी हम आए यहाँ पे गेहूँ लेने के लिए, और दूसरा घर पे आए हम यहाँ पे। और ये देखो यहाँ बकरी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं छत्ते पे, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ यहाँ का लोकेशन, जो कि बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खेती हो रहा है, तो दिखाते हैं आप लोग को। देखो गाइस, यहाँ पे नीचे आ गया हूँ, और यहाँ से देखो पानी पूरा सिंचाई हो रहा है खेत में, तो पूरा हो चुका है, बस थोड़ा सा उधर बचा है, तो भैया साहब वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखो मस्त पानी पड़ रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी शाम हो चुका है, तो अभी हम निकल रहे हैं घर। चलो गाइस, फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ घर पे। एंड आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो। एंड थोड़ा थोड़ा कहीं पे तो गड़बड़ी हुआ होगा, क्योंकि मुझे ना अभी एक्सप्लेन करने में थोड़ा अजीब टाइप में लगता है, अगर नए नए जगह पे जाता हूँ, इसीलिए पूरा तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। जो भी होता है उतना मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।